कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। ताजा मामला पंजाब के जालंधर का है, जहां पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि देश में हमारी सरकार बनने के बाद हम पंजाब का वाघा बॉर्डर खोल देंगे, जिससे पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए पंजाब आ सकेंगे। इससे जालंधर के मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और उसके नेताओं का पाकिस्तान प्रेम सामने आया हो। इससे पहले कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद ने कर्नाटक की विधानसभा में कहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन नहीं है। ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವರ ಪಡೋಸಿ ಹೇ ಭಲೇ ಹಿ भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन हो सकता है। वहीं कर्नाटक में ही राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नासिर हुसैन की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और बात जब पाकिस्तान प्रेम की हो तो कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कैसे पीछे रह सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भारत को पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत दी थी। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अर्जाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। जबकि इससे पहले वो खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें भारत से ज्यादा प्यार पाकिस्तान में मिलता है। तो जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है, उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर तो ये तक कह चुके हैं कि भारत की पाकिस्तान से बात करने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान का सम्मान और भारत का अपमान करना कांग्रेस और इसके नेताओं की आदत बन गई है। कांग्रेस द्वारा किए भारत के इन अपमानों का हिसाब देश की जनता जरूर करेगी और सूद समेत करेगी।